उदाहरण 21, वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, रेखा y बराबर x, x बराबर 0 एवं x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम वक्र के समीकरण को देखते हैं। y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस समीकरण को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? y माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर। स्पष्ट है कि यह समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर वाई इस रूप का समीकरण है, तो यह एक पैराबोला है। दूसरी बात हम क्या देखते हैं कि जब एक्स बराबर जीरो है, जब एक्स बराबर जीरो लेते हैं तो वाई का मान हमें 2 मिलता है, अर्थात जो इसका पैराबोला का शीर्ष है वो 0,2 है, अर्थात यह वाई अक्ष पर है। तो हम पैराबोला को कैसे बनाएंगे? यह हमारा वाई अक्ष है, वाई अक्ष, यह हमारा हो गया एक्स अक्ष। शीर्ष क्या है? 0,2, अर्थात यह मूल बिंदु से ना होकर गुजर के ये 0,2 ये इसका शीर्ष है। एक्स स्क्वायर बराबर वाई का रूप है, अर्थात ऊपर की ओर से ये खुला हुआ है। तो ये पैराबोला इस प्रकार से बनेगा। यहां एक्स स्क्वायर इसके समीकरण में आ रहा है, अर्थात ये वाई अक्ष से सम्मितता रखता है। जैसा इस ओर है वैसा इस ओर भी है। अब हम रेखा y बराबर x को देखते हैं। स्पष्ट है कि यह रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी और x और y अक्ष दोनों के साथ बराबर का कोण बनाएगी। तो यह रेखा हमने बना दी, ये रेखा इस प्रकार से है, y बराबर x, x बराबर 0, ये होता है y अक्ष। तो ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा मूल बिंदु है O, जिसके निर्देशांक 0,0 है, ये शीर्ष है जिसके निर्देशांक 0,2 है। आगे देखते हैं x बराबर 3, x बराबर 3 इस प्रकार से एक सरल रेखा होगी जो कि y अक्ष के समांतर होगी, ये हो गई x बराबर 3। तो हमें वक्र का समीकरण रेखा y बराबर x, x बराबर 0 अर्थात y अक्ष के साथ और x बराबर 3 इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात हमें इस क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। यह हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल होगा। ये तो हो गया x बराबर 0 y अक्ष, ये हो गया y बराबर x, ये हो गया वक्र का समीकरण जो कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ये है x बराबर 3 के लिए। तो हमारा dx किस प्रकार से होगा? ये इस प्रकार से होगा, ये हमारा dx होगा। dx का फैलाव कहां से कहां तक होगा? ये तो है मूल बिंदु, यहां से और यहां तक होगा, अर्थात x बराबर 3 तक होगा। इस बिंदु के निर्देशांक 3,0 है। तो हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो गया? इधर से इसको मिटा देते हैं। अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रल, लिमिट तो हो गई 0 से 3। अब हम देखते हैं y2 माइनस y1 dx, dx का फैलाव 0 से 3 तक है। y2 हमें क्या लेना है? ऊपर जो वक्र है उसमें y क्या है? y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2, अर्थात y2 तो हमारा हो गया ये समी इंटीग्रेशन 0 से 3। y2 मुझे क्या लेना है? एक्स स्क्वायर प्लस 2, माइनस किया y1, नीचे जो वक्र है, नीचे वक्र कौन सा है? y बराबर x, तो x ले लूं y1 का मान, x dx, ये मुझे अभिष्ट क्षेत्रफल मिलता है। समाकलन करते हैं तो x स्क्वायर का हो गया x³/3 प्लस 2 का हो गया 2x माइनस x का हो गया x²/2, लिमिट हमारी है 0 से 3। x के स्थान पर 3 रखें तो
तीन का क्यूब अर्थात कितना हो गया 27 बटे 3 प्लस x बराबर 3 रखने से ये हो गया 6 माइनस 9 बटा 2 माइनस किया x के स्थान पर 0 रखें प्रत्येक पद 0 हो गया तो 0 प्लस 0 माइनस 0 ये मुझे प्राप्त हुआ 9 तीय 27 मान कितना हो गया 9 और 6 15 माइनस 9 बटा 2 दो लघुत्तम 15 दूनी 30 माइनस 9 अर्थात 21 बटा 2 वर्ग इकाई ये हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल होगा जो छायांकित भाग हमारा चित्र में दर्शाया हुआ है उसका क्षेत्रफल 21 बटा 2 वर्ग इकाई के बराबर है।